जो गुरुमाव ने क्षितिज भाग के अंतर्गत पाठ 10 गलाहट द्वारा लिखे वाक का तीसरा खंड देखेंगे। आई सुत सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जब चटोली कौड़ी न पाई, माली को क्या उतराई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चली पाई। अतः वह कहती है कि व्याख्या में देखेंगे, अय ईश्वर भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है कि उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और अठयोग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले माजी ने संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी उस माजी को नहीं दे पाई। आशा यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। विशेष में सुसुम सेत में उपकलंक का प्रतीकात्मक शब्दावली। अगला देखेंगे, थल थल में बसता है सभी भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। प्रसंग में इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललाल कहती है कि व्याख्या में प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुता हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। वो मानव यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परमता की भी पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। विशेष में ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है, हिंदू और मुसलमानों को संभाव रखने के लिए प्रेरित किया। थल थल में प्रमुख प्रकाश रखा है, आत्मविश्लेषण पर बल दिया गया है। होमवर्क में खंड 3 व 4 का प्रसंग व्याख्या विशेष लग्न करना दैट्स ऑल। Thank you.